लोकसभा चुनाव से पहले देश का मूड समझने के लिए इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन किया। 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच जब लोगों की राय जानी, जब हल्की चर्चा शुरू हुई कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी का अलायंस हो सकता है। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से मुलाकात के बाद साफ है कि अलायंस फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है। जगनमोहन बीजेपी के ऐसे मित्र हैं जो कभी एनडीए में नहीं आए, लेकिन बिना किसी शर्त हमेशा अच्छे दोस्त का हर धर्म निभाया। 5 साल में कभी मोदी सरकार के खिलाफ नहीं गए, हर मौके पर बीजेपी की मदद करते रहे ताकि कांग्रेस की मदद ना हो सके। बस उन्होंने कभी बीजेपी से आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्ती नहीं रखी। आमतौर पर जगनमोहन बोलते नहीं हैं कि चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ऐसी मनोकामना बताई है जो मोदी और बीजेपी की इच्छा के खिलाफ है। जगनमोहन का ये मूड स्विंग तब दिखना शुरू हुआ है जब टीडीपी और बीजेपी अलायंस पक्का कर रहे हैं। संसद में खड़े होकर मोदी ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी की सीटें 370, एनडीए की सीटें 400 के पार होंगी, लेकिन जगनमोहन बीजेपी और मोदी की हार की कामना कर रहे हैं। चाहते हैं कि चुनाव में किसी को बहुमत ना मिले। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी की तो ये बहुत पुरानी मनोकामना है, लेकिन जगनमोहन पहले ऐसे नेता हैं जो एनडीए या इंडिया से बाहर होकर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि सुनने को मिले कि बीजेपी और मोदी हार जाएं। जगनमोहन का फंडा क्लियर है, रीजनल पार्टी होने के नेता चाहते हैं कि अगली सरकार वाईएसआरसीपी समर्थन से बने। ऐसा होने से केंद्र की राजनीति में उनकी पूछ बनी रहेगी, केंद्र की सरकार इशारे पर चलेगी। ऐसी स्थिति बनने पर वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकेंगे। मोदी की तरह जगनमोहन रेड्डी ने भी विधानसभा में ऐलान किया है कि चुनाव के बाद लौटेंगे और 3 महीने में पूरा बजट पेश करेंगे। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के प्रचंड विरोधी हैं। दोनों ने कांग्रेस के कमजोर होने और बीजेपी के कमजोर रहने का फायदा जमकर उठाया। 10 साल से आंध्र प्रदेश में चुनाव जगन और चंद्रबाबू के बीच एक्सचेंज हो रहे हैं। 2014 में चंद्रबाबू नायडू जीते, 2019 में जगन मोहन का नंबर लगा, 2024 में चंद्रबाबू नायडू के जीतने और जगन के हारने का चांस बना रहा। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन का अनुमान है कि आंध्र प्रदेश में अब की बार दहाड़ेंगे चंद्रबाबू नायडू। बिना बीजेपी से अलायंस के टीडीपी के 17 सीटें जीतने का अनुमान है। वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी को ऐसे करारे झटके लगेंगे कि सिर्फ 8 सीटों पर सिमट जाएंगे। वाईएसआरसीपी को 41%, टीडीपी को 45%, कांग्रेस को करीब 3 और बीजेपी को करीब 2% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। जगनमोहन और चंद्रबाबू नायडू के बीच अगर कुछ कॉमन है तो बस आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की राजनीति। इसी के लिए 2018 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ असफल अविश्वास प्रस्ताव लाकर बीजेपी और एनडीए छोड़ा था। इसका खामियाजा उनको चुनावों में हार कर भुगतना पड़ा। जगनमोहन रेड्डी भी बीजेपी के मददगार बने रहे, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा मांग नहीं सके। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग राज्य के विभाजन के बाद तेज हुई। आंध्र की आधी जमीन, हवा, पानी सब तेलंगाना के पास चला गया। 2014 में जब यूपीए सरकार के समय आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बना, तब वादा था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। 2014 में यूपीए सरकार पलट गई, मोदी आ गए, लेकिन आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे वाली फाइल आगे बढ़ी नहीं। विभाजन के गुस्से का खामियाजा कांग्रेस ने 2014 और 2019 के चुनावों में ऐसा भुगता कि आज जीरो हो चुकी है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर आंध्र प्रदेश में थे, तब उन्होंने वादा किया था कि केंद्र में सरकार आई तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। चर्चा है कि जगनमोहन कुछ दिनों में जब दिल्ली आएंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे, तो चुनावों से पहले फिर आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग करेंगे। जगन साउथ के उस ग्रुप में शामिल हो गए जो आरोप लगा रही है कि दक्षिण के राज्यों का पैसा मोदी सरकार उत्तर के राज्यों को दे रही है। आंध्र विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण देते हुए जगनमोहन रेड्डी ने भी यही सवाल उठाया। यही सवाल कर्नाटक, केरल सरकारों ने भी उठाया।
दक्षिण से भेदभाव के खिलाफ पहले कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करके हक मांगा। उसके बाद केरल में लेफ्ट की सरकार के सीएम पी विजयन ने मंत्रियों, विधायकों, नेताओं के साथ जंतर मंतर पर तंबू गाड़ा। इस संभावना से इनकार नहीं कि चुनाव से पहले आंध्र की सहानुभूति बटोरने के लिए जगन भी कहीं जंतर मंतर पर अपना तंबू ना लगा दे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप कॉमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।